मात्र 20 रुपए में बनाओ 1000 रुपए वाले जैसे जैपनीज स्किन वाइटनिंग क्रीम अपने ही घर पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जैपनीज क्रीम अपने घर पर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में बना सकते हो। जैसा कि दोस्तों आजकल के जेनरेशन में जैपनीज क्रीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो स्किन वाइटनिंग के लिए सबसे अच्छा एक क्रीम है जो कि मार्केट में हर टाइम अवेलेबल रहता है। अवेलेबल तो रहता है लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी रहता है, बहुत कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपको बताने के लिए कि आप 1000 रुपये वाली क्रीम घर पर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में कैसे बनाओगे। तो इस प्रोग्राम तक जरूर देखना, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ कि आप अपनी स्किन को वाइटनिंग कैसे कर सकते हो, फेस पे ग्लो कैसे ला सकते हो, एक्ने कैसे ठीक कर सकते हो, पिंपल कैसे ठीक कर सकते हो। मैं बॉडी रिलेटेड सारे प्रॉब्लम के हल बताती हूँ अपने चैनल पे, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बिना देरी की आपको बताती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में जापनीज क्रीम कैसे बनाओगे और काला चेहरा को गोरा कैसे करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जापनीज व्हाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट ज़्यादा यूज किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा और अहम भूमिका उसमें निभाती है जापनीज क्रीम बनाने के लिए चावल, चावल या चावल का पानी या चावल का माड़। तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही जो कि है चावल का माड़। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि चावल का माड़ क्या होता है, जब आप चावल बनाते हो, चावल बनने के बाद जो हमारा पानी निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं चावल का माड़। और मैं आपको जो यहाँ पर दिखा रही हूँ वो यही है चावल का माड़। मैं यहाँ पर तो चावल का माड़ ही ले रही हूँ दोस्तों। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आपको पार्टी में जाना है या फिर कोई ओकेजन में जाना है, कोई फेस्टिवल अटेंड करना है और इंस्टेंट आपको अपने फेस को वाइट करना है, तो आप क्या करना, चावल ले लेना। कोई भी चावल ले सकते हो, चाहे वो बासमती राइस हो या फिर आप जो भी खाते होंगे वो भी चावल ले सकते हो। लेने के बाद आपको क्या करना है, चावल को अच्छी तरह से धो लेना। धोने के बाद जो पानी आपका बचेगा ना, आप उससे ये क्रीम बना सकते हो। और ये क्रीम गाइस आप 3-4 दिन तक एयर टाइट कंटेनर पे आप स्टोर करके भी रख सकते हो। और अगर दोस्तों आपको फेस्टिवल अटेंड नहीं करना है, ओकेजन अटेंड नहीं करना है, आपको पार्टी में नहीं जाना है, तो आप चावल का माड़ ही लेना। क्योंकि दोस्तों चावल बनने के बाद जितने भी चावल में गुण होते हैं वो सारा कुछ माड़ में चला जाता है। चावल का माड़ ज़्यादा इफेक्टिव होता है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर चावल का माड़ ले रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ चावल को धोकर चावल का पानी भी ले सकते हैं, वो भी इफेक्टिव होता है लेकिन वो इसके मुताबिक कम होता है। अब दोस्तों आपको इसे कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप एक बाउल ले लेना या कटोरा ले लेना। कटोरा पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप चावल का पानी या फिर माड़ ले लेना। आप अपने क्रीम के अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको क्रीम कितना बनाना है, कितना क्वांटिटी के हिसाब से बनाना है। अगर आप अपने फैमिली के लिए बना रहे हो, सबके लिए बना रहे हो, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो, क्वांटिटी आप खुद से मेजरमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अब 10 चम्मच ले रही हूँ चावल का माड़। उसके बाद दोस्तों लेना आपको चावल गूड़ी यानी कि ग्राइंड किया हुआ राइस, यानी कि पीसा हुआ राइस, सूखा राइस, ना कि गीला राइस। जैसे देख सकते हो ये पाउडर की तरह है। मैं यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ राइस 2 चम्मच ले रही हूँ। जैसे कि गाइस मैं आपको पहले बताई थी कि जापनीज क्रीम बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है राइस, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर पीसा हुआ राइस और राइस का माड़ ले रही हूँ जो कि 110% हमारे काले स्किन को गोरा बनाएगा। मैं आपको खुद रिजल्ट दिखाऊंगी, अपने स्किन पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपको इस वीडियो को देखना, रिजल्ट आपको एंड में मिलेगा कि मैं अपने काले स्किन को कैसे गोरा बनाई हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पर राइस को अच्छी तरह से माड़ में घोल ली हूँ। उसके बाद आपको लेना है कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पर पैरासूट का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप जो भी यूज़ करते हो कोकोनट ऑयल, जो भी ब्रांड का या फिर वर्जन यूज़ करते हो कोकोनट ऑयल, तो आप वो लेना। मैं यहाँ पर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। कोकोनट ऑयल दोस्तों हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्किन पे ग्लो लाता है और स्किन जितना भी डल होता है ना उसे ठीक कर देता है, स्किन को वाइटनिंग करता है, इसलिए हम लोग इसमें कोकोनट ऑयल मिला रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है गुलाब जल। आप जो भी गुलाब जल यूज़ करते होंगे आप वो ले सकते हो। मैं यहाँ पर डाबर का गुलाब जल ले रही हूँ। गुलाब जल दोस्तों एक टोनर के रूप में काम करता है, आपके स्किन में जितने भी गंदगी होती है उसे निकालता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है और स्किन पे ग्लो भी लाता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच गुलाब जल ऐड की। उसके बाद दोस्तों आपको लेना हनी।
हनी आपके स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा। जितना भी आपका रिंकल आता है फेस में, अगर आप 30 से ज़्यादा के हो, रिंकल आ रहा है आपके फेस में, झाइयाँ आ रही है, उसे भी दूर करेगा, रिंकल नहीं आने देगा, स्किन को टाइटनिंग करेगा, ब्राइटनिंग करेगा, ग्लो लाएगा फेस में और स्किन को गोरा बनाएगा। और जैसे कि दोस्तों आप लोग देखे हों कि मैं यहाँ पर छोटा चम्मच यानी कि थोड़ा सा ही इसमें हनी ऐड की थी। आप भी थोड़ा सा करना, हनी ज़्यादा नहीं डालना है। और सारा कुछ मैं इंग्रेडिएंट्स मिला दी हूँ, ये हमारा रेमेडी बनके तैयार है, यानी कि ये हमारा जापनीज वाइटनिंग क्रीम बनकर तैयार है। बस आपको क्या करना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब मैं आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ और रिजल्ट दिखाती हूँ कि कैसे मेरा चेहरा काला से गोरा हो गया। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, आप अपने फेस में कोई भी फेस पैक अप्लाई करते हो या फिर कोई भी क्रीम लगाते हो तो सबसे पहले आपका फेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं यहाँ पर दोस्तों अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करके आ गई हूँ। मेरे फेस में बिल्कुल भी मेकअप नहीं है और ना ही बिल्कुल भी डर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाई हूँ। अब मैं इस क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई करूँ। अगर आप फेस पैक ब्रशर की मदद से अपने फेस पे अप्लाई करते होंगे तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको स्पून से लगा कर दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं अपना हाथ का ही यूज़ करूँगी, बिकॉज गाइज मेरे को ब्रशर की मदद से फेस पैक फेस पे अप्लाई करना उतना अच्छा नहीं लगता है। मेरे को अच्छा लगता है हाथ से ही अप्लाई करना। दोस्तों हाथ से अच्छी तरह से फेस पे मसाज भी हो जाता है और जो हम क्रीम लगाते हैं, जो हम लोग फेस पे अप्लाई करते हैं अपने फेस में, हमारे स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है और अच्छा रिजल्ट देता है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ब्रशर यूज ना करें, हाथ से ही फेस पैक या क्रीम लगाएं। मैं यहाँ पर अपनी अच्छी तरह से फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ ये क्रीम को। जब आप अप्लाई करोगे तो मसाज करते रहना, एटलीस्ट आप इसे 10 मिनट तक मसाज करना, उसके बाद आप इसे सूखने के लिए रहने देना। नहीं, अगर आपको बॉडी पार्ट्स में, आपका बॉडी पार्ट कहीं पर भी काला है, आप उसे गोरा बनाना चाहते हो, जैसे आप अपने फेस पे अप्लाई करोगे सेम एज इट इज आपको उस पार्ट में अप्लाई करना है और उसके बाद आप रिजल्ट खुद देखोगे कि आपका बॉडी पार्ट भी गोरा हो रहा है। आप अपने फुल बॉडी को भी गोरा बना सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों आपने आपको हाथ दिखाई थी कि मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम कलर का था, मैं आप अपने राइट हैंड में ये क्रीम को अप्लाई करूंगी, आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगी कि मेरा लेफ्ट हैंड कौन से कलर का है और राइट हैंड कौन से कलर का है ये क्रीम अप्लाई करने के बाद। देख सकते हो कि मैं अपने राइट हैंड में अच्छी तरह से ये क्रीम को अप्लाई कर ली हूँ, मसाज भी कर ली हूँ। अब बस मैं अपने फेस को और अपने जो हाथ में ये क्रीम अप्लाई की हूँ 20 मिनट तक रहने दूंगी, स्किन पे अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। 20 मिनट हो चुका है दोस्तों, अब मैं अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करूँगी क्योंकि ये जो क्रीम है मेरे स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो गया है। बूम गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो जो मेरा राइट हैंड है वो गोरा हो चुका है और लेफ्ट हैंड कितना डर लग रहा है। और आप मेरे फेस को देखो, फेस मेरा निखर चुका है, गोरा हो चुका है, मेरे आँख में डार्क सर्कल था वो भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही अच्छा गाइज स्किन वाइटनिंग क्रीम है, आपके टेक्सचर को तुरंत इम्प्रूव करता है। अगर आप पार्टी में जाना चाहते हो तो आप इसे तुरंत बनाओ और तुरंत अपने फेस पे अप्लाई करो, रिजल्ट आप खुद देखोगे, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा आपका चेहरा। हर चीज़ आपके घर पर ही अवेलेबल रहता है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको 1000 रुपये वेस्ट करने की ज़रूरत है जापनीज वाइटनिंग क्रीम में, क्योंकि क्रीम तो आप अपने घर पर ही बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 20 रुपये में या फिर 20 रुपये से कम में भी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपको अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए और अगर आपको पार्टी में जाना है, फिर कोई ओकेजन आपको अटेंड करना है, तो आप माड़ को स्किप कर सकते हो और आप उसके जगह आप चावल का पानी ले सकते हो। तो कैसी लगी गाइस आपको ये 20 रुपये की क्रीम, स्किन वाइटनिंग क्रीम, जापनीज क्रीम, कमेंट करके जरूर बताना एंड ये वीडियो लाइक कर देना। और जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों का रिव्यू देखकर, आप लोगों का अच्छा अच्छा कमेंट पढ़कर। सो प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहे, घर पर रहे, ग्लो करते रहे, बाय, धन्यवाद।